हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल बोल ब्लास्ट में। दोस्तों, जैसा हमारा नाम वैसा ही हमारा काम, बट इस चीज के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हम बॉलीवुड से रिलेटेड, टॉलीवुड से रिलेटेड या फिर हमारे आसपास देश विदेश में जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो हम आप तक पहुंचा सके। और इस जानकारी को जानने के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा हमारा चैनल सब्सक्राइब। तो बिना टाइम वेस्ट कीजिए दोस्तों, प्लीज कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को देखिए लास्ट तक, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी कीजिए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिग बॉस 14 के कल के एपिसोड से। दोस्तों, कल बिग बॉस 14 में जो है विकास गुप्ता का प्रमो में दिखाया गया था कि वो रो रहे हैं और अपने किसी एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में यहाँ पर बातें कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर विकास गुप्ता जो है वो बात कर रहे हैं अपने बॉयफ्रेंड प्रियांक शर्मा और पार्थ समथान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्रियांक शर्मा जो उनके साथ जो है बिग बॉस 11 में हमें दिखाई दिए थे, उन्हीं प्रियांक शर्मा के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब मुझे बिग बॉस की ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर कोई भी कंटेस्टेंट्स बाहर की न्यूज जो है, बाहर की जो बातें हैं वो घर के अंदर नहीं कर सकता, बट विकास गुप्ता को ये सारे राइट्स कैसे हैं? इवन अगर कोई किसी के साथ मतलब फिजिकल भी हो जाता है, किसी के ऊपर फिजिकल टॉर्चर करता है या उसको मारता है, तो ऐसे में उस बंदे को बाहर निकाल दिया जाता है। बट विकास गुप्ता ने ऐसा किया आशी खान के साथ और फिर भी उनको जो है वापस घर में एंटर कर लिया गया। यहाँ पर दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता दूं कि विकास गुप्ता और अर्शी खान की जो फाइट हुई थी वो पूरी प्री प्लान्ड थी। अगर आपने देखा हो तो पूल में गिरने के ठीक एक मिनट पहले जो है अर्शी खान ने अपना माइक उतार दिया था और पूल के पास जाकर खड़ी हो गई थी। तो क्या उनको पता था कि विकास गुप्ता मुझे पूल में फेंकेंगे? जी हाँ दोस्तों, विकास गुप्ता जो है पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि बिग बॉस 11 से लेकर बिग बॉस 14 तक जो है लगातार वो शो में आ रहे हैं और यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि मेरे पास फंड्स नहीं है। यार, हर बार आपको पेमेंट, मतलब आप इतना यहाँ से कमा रहे हो और आपका खुद का एक शो चल रहा था, फिर आप यहाँ पर मतलब लोगों से सिंपैथी कार्ड खेलना चाह रहे हो कि शार्दुल पंडित बन रहे हो आप यहाँ पर, कि आपके पास फंड्स नहीं है? यार मतलब विकास गुप्ता यहाँ पर, अब इस बार विकास गुप्ता का मास्टरमाइंड नहीं चल रहा है ना, मैं आपको बता दूं, तो इसलिए वो जो है यहाँ पर इस बार जो है सिंपैथी कार्ड खेलने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से विकास गुप्ता को रात में अर्शी खान ने जगाया, फिर उसके बाद विकास गुप्ता ये ड्रामा करते हुए नजर आते कि मतलब उनको मतलब कितना मेंटली वो टॉर्चर हो रहे हैं। अरे अगर आप पहले भी तो आप बोल रहे थे कि मैं मेंटली टॉर्चर हो रहा हूं, तो दोबारा आप बिग बॉस के घर में क्यों आए? अपने घर में रहते, चिल करते। तो यहाँ पर विकास और अर्शी के बीच में जो भी हो रहा है वो पूरा का पूरा फेक है। और हाँ, एक बात और, अंदर की एक खबर मैं आपको बता दूं कि विकास गुप्ता को ये चीज रिवील करने के लिए, अपने रिलेशन को रिवील करने के लिए उनको ये खबरें आ रही है दोस्तों कि 50 लाख रुपीज पेड किए गए हैं। और ऐसा सिर्फ इस बार नहीं हुआ है, ऐसा हर सीजन में होता हुआ आया है। लास्ट सीजन में भी आपने देखा होगा रश्मि देसाई और अरहान के रिश्ते पर जब सलमान खान बोलते हैं आपकी फैमिली में और कौन है, आपकी फैमिली में और कौन है, वाइफ है और कौन है, बच्चा है। तो इस चीज को भी रिवील करने के लिए, जनता के सामने लाने के लिए रश्मि देसाई को 50 लाख रुपीज की पेमेंट मिली थी मेकर्स की तरफ से। नहीं तो कोई भी नेशनल टेलीविजन पर आप किसी के पर्सनल रिलेशन पर नहीं जा सकते। बट क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया था रश्मि देसाई का और उनको 50 लाख रुपीज जो है वो मेकर्स की तरफ से दिए गए थे। वही बिग बॉस 10 में जो है मोनालिसा की भी शादी बिग बॉस के घर में करवाई गई, उस चीज के लिए भी मोनालिसा को जो है पेमेंट की गई थी। तो ऐसी बहुत सारी बातें दोस्तों हम आपको बताएंगे अपने चैनल में। वही दोस्तों, आज बात करें जैस्मिन भसीन की। यार बिल्कुल मतलब लड़की मुझे पागल लग रही है, बेतुकी बातें करती एकदम। कहती राहुल महाजन एंटरटेनिंग नहीं है। मैं मानती हूँ बंदा कम बोलता है, थोड़ा बोलता है, टास्क में परफॉर्म नहीं करता, सारा दिन बेड पे लेटा रहता है या बीन बैग पे लेटा रहता है, बट यार वो जितना बोलता है ना, जितना बोलता है, जितना वो मुंह खोलता है, वो पूरा का पूरा एंटरटेनिंग होता है। और अगर बिग बॉस सीजन फर्स्ट में वो भागा नहीं होता ना, मैं श्योरिटी से कह रही हूँ कि बिग बॉस सीजन फर्स्ट का विनर राहुल महाजन ही होता। तो इसलिए जैस्मिन का ये कहना कि भाई ये एंटरटेनिंग नहीं है, मुझे तो समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। वही रात को विकास गुप्ता के लिए, हालांकि मैं यहाँ पर विकास गुप्ता को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बट विकास गुप्ता को जिस तरीके से कह रही है, यार ये भी तो हमें टास्क में रात में जगाता था, तो अर्शी ने ऐसा कर दिया तो क्या गलत था? जैस्मिन, वो टास्क था, ये टास्क नहीं है। रियलिटी में आप आधी रात में किसी बंदे को जगाओगे ना? यार अगर मुझे भी कोई ऐसे सोते हुए जगाएगा तो मेरे भी सर में दर्द हो जाता है। हालांकि विकास और अर्शी का वो सारा फेक ड्रामा था, उस चीज को मैं सपोर्ट नहीं करूंगी यहाँ पे। दूसरा, अगर बात करें निकी तंबोली, जैसा कि मन्नू पंजाबी जाते जाते कह गए थे कि यहाँ पर अगर कोई सबसे बड़ी गेम प्लेयर है तो वो सिर्फ और सिर्फ निकी तंबोली है।
जी हाँ दोस्तों, एक तरफ तो निक्की तंबोली राखी सावंत से बोलते कि मैं एली को पसंद करती हूँ और जैस्मिन और एली के बीच में सिर्फ दोस्ती है, मैं एली को पसंद करती हूँ, इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। वहीं कल टास्क में उसने एली को मतलब उल्टा सीधा बोल दिया कि ये मुझे पोक करता है, छेड़ता है। यार अगर वो तुझे पसंद करता है तो उसमें अगर वो तुझे छेड़ता है तो तुझे अच्छा खुश होना चाहिए ना। उस चीज को तू फिर नेगेटिव वे में दिखा रही है सब लोगों के सामने। और आज भी लाइव फीड में मैंने देखा जब राखी सावंत एली को उल्टा बोलती कि तेरे अंदर है क्या ये वो समथिंग, कुछ फाइट हो गई है एलिगोनी और राखी सावंत के बीच में, तब भी निक्की बोलती नहीं एली अच्छा है, इसके अंदर बहुत कुछ है। उस चीज पर राखी सावंत भी जो है उसका वहीं पर बोलती बंद कर देती है निक्की तंबोली की। तो जो गेम यहाँ पर खेल रही है ना वो सिर्फ निक्की तंबोली खेल रही है। और दूसरा एलिगोनी, आपने देखा होगा जिस भी कंटेस्टेंट से उसकी थोड़ी बहुत बहसबाजी हो जाती है या कोई उसको नॉमिनेट कर देता है या कुछ कर देता है, उसका एक ही डायलॉग होता है, अब इसका घर में रहना जीना हराम कर दूंगा, अब मैं इसको फाड़ दूंगा, ये डायलॉग है बस उसका, करता वो कुछ नहीं है। अगर आप उसको देखोगे तो वो आपको किचन एरिया में दिखाई देगा, जैस्मिन के पास बैठा हुआ दिखाई देगा या फिर बेड पर लेटा हुआ दिखाई देगा। बस ये तीन काम है एलिगोनी के घर के अंदर, जो डायलॉग बाजी है ना बस वो डायलॉग बाजी होती है, करके कुछ नहीं दिखाया उसने अभी तक। दूसरा बात करें, हाँ यार डांस परफॉर्मेंस की, एजाज के साथ तो बहुत गलत हुआ देखा जाए तो, और सलमान उसको क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे कि कभी किसी को थोड़ा मिलता है, कभी किसी को काम करने के लिए, टास्क करने के लिए, कुछ भी करने के लिए ज्यादा मिलता है, ये क्या हुआ? यहाँ पर तो मुझे पार्शियल लगे बिग बॉस थोड़े से, मतलब रूबीना और अभिनव ने भी तो लास्ट टाइम परफॉर्म किया था, उस टाइम पर एजाज ने भी परफॉर्म किया था, तो आप एजाज को बोल रहे कि आपने लास्ट टाइम परफॉर्म किया था, ज्यादा परफॉर्म किया था, इसलिए आप इस बार परफॉर्म नहीं कर पाए, ये तो कोई बात नहीं। और यार टास्क थोड़ी है, ये आपका बर्थडे है, सलमान का बर्थडे है, उसको मतलब सब लोग अपना डेडिकेशन दे रहे हैं, तो फिर ये हक एजाज और सोनाली से क्यों छीना गया? और सोनाली जो कि एजाज के लिए तो चलो आपने एक्सप्लेनेशन दे दी कि भाई आपने पहली बार अच्छा परफॉर्म किया था, बट सोनाली को तो आपने मौका ही नहीं दिया, तो ये पार्शियलिटी क्यों? ये चीज मुझे समझ नहीं आई बिल्कुल भी। बट यार रूबीना और राहुल की जो केमिस्ट्री थी ना, माइंड ब्लोइंग यार, क्या डांस किया है दोनों ने, मतलब यार मुझे ऐसा लग रहा था, मैं सीरियसली बताऊं आपको, ऐसा लग रहा था कि ना अभिनव की जगह जो है राहुल को होना चाहिए। फिर बाद में उनका आपको एक थोड़ा सा दिखाई गया, हालांकि लाइव फीड में ये दोनों काफी अच्छे से बैठकर कॉन्वर्सेशन भी करते हैं, बट बिग बॉस क्या फाइट फाइट फाइट, सिर्फ फाइट दिखाना चाहते हैं इन दोनों के बीच की। बट जब ये दोनों साथ में, यार मुझे तो कल बहुत अच्छे लगे, इस बारे में आपका क्या कहना है ना मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। राखी सावंत, यार उस टाइम ऐसा लग रहा था ना कि राहुल महाजन के अंदर जूली आ गई, और राखी सावंत ने जो परफॉर्मेंस दी है ना अपनी, आग लगा दी, मतलब बिल्कुल यार टिप टिप बरसा पानी, मजा ही आ गया यार। और फिर उस पर सोनाली फोगाट का अरेबियन डांस, मतलब एजाज कह रहे हैं कि मैं सोनाली के इतना क्लोज नहीं हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा अच्छे से डांस नहीं कर पाया। यार हमने देखा डेवन से जब से सोनाली आई है ना आपकी काफी अच्छी बन गई है, बॉन्डिंग अच्छी हो गई है आप दोनों के बीच में, सोनाली तो खा गई भाई एजाज को। हालांकि एजाज बहुत अच्छे डांसर है, मैं जानती हूँ उनको, मैंने बहुत उनके शोज भी देखे हैं बहुत कुछ, बट सोनाली फोगाट भाई खा गई एजाज खान को, कहीं दिखाई नहीं दिया बंदा, बस ये जो सलमान खान कहते ना बस एक जगह पे खड़े होकर यही करते हुए रह गए। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज और, ये जो जैस्मिन बोल रही थी कि मतलब लेस जो टास्क हुआ था कल लेस एंटरटेनिंग बंदे का घर में, तो मेरे हिसाब से तो जब से लेस एंटरटेनिंग बंदा है ना वो घर में अभिनव शुक्ला है। और इस बारे में आपका क्या कहना है ना प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप सब कमेंट करते हो ना, तो मुझे वो कमेंट्स पढ़ने में बड़ा मजा आता है। तो प्लीज फटाफट से सारे अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना।